नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनता के सामने पेश किया 100 दिनों का एजेंडा। व्यापार, ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन नीति पर दिया जोर। कहा, ट्रांस पैसिफिक डील से अमेरिका का नहीं होगा भला। जापान के फुकुशिमा में महसूस किए तेज भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। प्रशासन ने जारी किया सुनामी का अलर्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया मस्जिद में हुआ आत्मघाती हमला। 27 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा जख्मी। घटना की जांच में जुटी काबुल पुलिस। चीन ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, कश्मीर में आतंक फैलाना बंद करे पाकिस्तान, आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे। अमेरिका के टेनेसी में एक स्कूल बस पेड़ से टकराई। 12 छात्रों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। हादसे के दौरान 35 छात्र बस में थे सवार। म्यांमार में सीमा पर सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष के बाद 3000 से ज्यादा लोगों ने चीन में ली शरण। शरणार्थियों में घायलों को उपचार के लिए यूनान प्रांत के अस्पताल में भर्ती कराया। चीनी मीडिया ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।